प्राइम मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी है वाराणसी और वहाँ पे उनका अडॉप्टेड गांव जिसे बोलते हैं जयपुर। हमारे साथ हैं केशव प्रसाद मौर्य जयपुर और वाराणसी के बारे में बात करने के लिए। मौर्य साहब, एक इंटरेस्टिंग बात है कि वाराणसी के चुनाव को आप कैसा देखते हैं? देखिए, वाराणसी का चुनाव हो चाहे यूपी का चुनाव हो, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर और वाराणसी के अंदर विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के द्वारा जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं लेकर के आगे बढ़ा गया है। अब चूंकि सोशल मीडिया का युग है और इसमें कोई भी बात छिपी नहीं रहती, उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने चाहे किसान की भलाई के लिए कोई योजना केंद्र सरकार ने दे चलाने का काम किया, यूपी में लाने का काम किया, तो अखिलेश यादव जी ने बाधा डाली। गरीबों के हित की जो भी योजना थी उसमें बाधा डाली, नौजवानों को रोजगार की दृष्टि से जो योजना आई उसमें बाधा डाली। इसके कारण से जनता में बहुत गुस्सा है और परिवर्तन को लेकर के जो आक्रोश है, उस आक्रोश के प्रतीक स्वरूप कमल का फूल 300 से ज्यादा सीटों में यूपी में खिलने जा रहा है। कह रहे हो कि पब्लिक में गुस्सा है, पर वाराणसी में देखा जाए तो बागी नेताओं का, मतलब जो एक सिंबल बन गया है यूपी का चुनाव, काफ़ी सारे ऐसे नेता हैं बीजेपी के जिनको टिकट नहीं मिला, मैं राव चौधरी साहब की बात कर रही हूँ, दादा की, इसको लेके ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी कहीं से चुनाव हारेगी वो वाराणसी से होगा। असंभव है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भाजपा के साथ होता है, कमल के फूल के साथ होता है। दादा हमारे बहुत वरिष्ठ हैं और दादाजी से बात करके उनको हमने दादाजी को बताया भी नहीं गया था जब उनका टिकट का जानकारी में नहीं है। दादाजी को बता भी दिया गया है, दादाजी को विधान परिषद में हम लोग ले जाएंगे ये भी उनको बता दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी का चुनाव ही नहीं, वाराणसी संसदीय सीट की सभी सीटों, विधानसभा सीटों पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और हम सभी सीटें थोड़े बहुत अंतर से नहीं, एक बड़े अंतर से जीतने वाले। मौर्य साहब, न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।